नमस्ते सभी को, मैं हूँ प्रिया खंडेलवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल। आपको और आपके परिवार को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ये मकर संक्रांति स्पेशल वीडियो, जिसमें हम बनाएंगे चार तरीके की डिफरेंट मिठाइयाँ जो मकर संक्रांति में बनाई जाती हैं, जैसे तिल की चक्की, साथ ही में पीनट चक्की, ये परमल के लड्डू और तिल के लड्डू। ये सारी रेसिपीज बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाएंगी, तो बिना किसी देरी के इन्हें बनाना शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले हम बनाएंगे पीनट की चक्की। ये बहुत क्रिस्पी होती है और मज़ा आ जाएगा आपको खा के। तो हम पहले लेंगे पीनट्स। मैंने यहाँ 150 ग्राम पीनट लिए हैं, या मूंगफली के दाने आप लें छिलके वाले। इनको हम रोस्ट करेंगे मीडियम फ्लेम पे 5 से 7 मिनट के लिए। ध्यान रखें, इसे हमें तब तक रोस्ट करना है जब तक जो मूँगफली का कच्चापन है वो हट जाए और ये दाने एकदम क्रिस्पी हो जाए। इनका कलर भी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, गोल्डन ब्राउन हो जाएगा। जब मूंगफली के दाने थोड़े से सिक जाते हैं, इनका कच्चापन दूर तो हो ही जाता है, साथ ही में ये थोड़े से करारे हो जाएंगे, एकदम क्रिस्पी बनेंगे कुछ इस तरीके से। ये देखिए गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे 5 से 7 मिनट बाद, और जो इनके छिलके हैं बहुत इजीली निकल जाएंगे। आपको चेक करना बहुत आसान रहेगा, इन्हें कुछ इस तरीके से हाथ में लें और इन्हें मसल के देखें। अगर इनके छिलके निकल रहे हैं तो आपके मूँगफली के दाने जो हैं वो तैयार हैं। अभी तो थोड़े से और सिकेंगे ये 1 से 2 मिनट के लिए। जो आज हम पीनट की चक्की बना रहे हैं, ये आप आराम से स्टोर कर सकते हैं 15 से 20 दिन के लिए एक एयरटाइट कंटेनर में। अब देखिए मूंगफली दाने सिक चुके हैं। आप दाने को एक प्लेट में निकालें, इसे थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे, फिर एक कपड़े में हम दाने को रखेंगे और सारे छिलके निकाल लेंगे कुछ इस तरीके से, जैसा को वीडियो में दिखा रही हूँ। ऐसे मस लें इसको और सारे इसके जो छिलके हैं उनको अलग कर लें। आप चाहें तो जो रोस्टेड पीनट है वो आपको मार्केट में ईजिली मिल जाता है, वो भी यूज़ कर सकते हैं। मुझे इन्हें घर पे ही रोस्ट करना पसंद है, साथ ही में जो बाहर मार्केट में मिलते हैं वो थोड़े से नमक वाले मिलते हैं और मैं बिना नमक के घर पे ही रोस्ट कर लेती हूँ। अब एक मोटे तले की कढ़ाई में या फिर नॉनस्टिक पैन में लें 200 ग्राम गुड़। मैंने गुड़ को क्रम्बल करके डाला है, आप इसे बारीक चॉप करके भी डाल सकते हैं। हमें धीरे धीरे इसे मेल्ट करना है। जब हम पीनट की चिक्की बनाते हैं तो जो चाशनी हम लेंगे वो थोड़ी सी कड़क लेते हैं, क्योंकि ये बहुत क्रिस्पी बनती है, साथ ही में जो पीनट्स हैं वो बहुत क्रंची फ्लेवर देते हैं। मेरी तो एब्सोल्यूट फेवरेट है पीनट की चिक्की, और ठंड में इसका मज़ा ही आ जाता है। लो फ्लेम पे हमें गुड़ को अच्छे से मेल्ट करना है। ध्यान रखें गुड़ बहुत जल्दी पैन से स्टिक हो जाता है, साथ ही में जल भी जाता है, तो आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा जब भी आप गुड़ या चीनी को मेल्ट करें तो इस बात का बहुत ध्यान रखें और टेम्परेचर को एकदम लो रखें। जो बड़े बड़े चंक्स हैं गुड़ के, इसे आराम से मेल्ट करते चलें, थोड़ा सा स्पैचुला से इसे प्रेस करें और मेल्ट करें। धीरे धीरे आप देखेंगे गुड़ अच्छी तरीके से मेल्ट होता जा रहा है। इसे कुक करते चलें और कंटिन्यूसली स्टर करें। आप जब भी गुड़ लें प्लीज़ बिना मिलावट वाला गुड़ ही लें। इसमें हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच घी। घी बहुत अच्छा फ्लेवर तो देता ही है, साथ ही में ये हेल्प करेगा जो पीनट चक्की है ये आपके दांत में बिल्कुल भी स्टिक नहीं होगी। अच्छे से मेल्ट करें। अगर आपके गुड़ में ज़रा सी भी मिलावट है तो आप गुड़ को इस स्टेज में छान लें पहले और उसके बाद यूज़ करें। अच्छे से मिक्स करते चलें। ध्यान रखें हमें गुड़ को बिल्कुल भी स्टिक नहीं करना है पैन से। इसे टेस्ट करना बहुत आसान है। आप थोड़ा सा ठंडा पानी लें, इसमें एक गुड़ का जो सिरप है उसे डालें, और अगर वो इजीली ब्रेक हो जाए तो आपका गुड़ तैयार है। अब ये ब्रेक नहीं हो रहा है, थोड़ा सा स्ट्रेच हो रहा है, तो हम और कुक करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। टोटल 4 से 5 मिनट का टाइम लगता है, डिपेंड करेगा आपके गुड़ पे और साथ ही में आप गैस की फ्लेम क्या रखते हैं उस पर भी। धीरे धीरे आप देखेंगे इसमें थोड़ा सा झाग आने लग जाएंगे। वापस चेक करेंगे हम, थोड़ा सा ठंडे पानी में डालें, फिर इसको इकट्ठा करें एक तरफ और सब चेक करें कि ये ब्रेक होता है या नहीं। अभी भी स्ट्रेच हो रहा है तो जो गुड़ है वो बिल्कुल भी तैयार नहीं हुआ है। इसे हम 102 मिनट के लिए और पकाएंगे। ऐसे आप 2-4 बार चेक करते चलें। अब देखिए कलर भी चेंज हो चुका है, थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन हो चुका है गुड़ का कलर। अब हम वापस से टेस्ट करेंगे कि गुड़ पका है या नहीं पका है अच्छी तरीके से, क्योंकि हमें इसकी एक थोड़ी सी कड़क चाशनी लेनी है। ये जो पानी वाला स्टेप है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो गुड़ है वो इजीली ब्रेक हो रहा है, चाशनी तैयार है, गैस ऑफ कर दें। इसमें हम डालेंगे पीनट्स। मैंने इनको थोड़ा सा रफली चॉप भी कर लिया था। अब जो पीनट्स हैं इनको अच्छे से मिला लें। आप देखेंगे इस स्टेज में आपको बहुत जल्दी काम करना है, नहीं तो आपकी जो पीनट की चिक्की है बहुत जल्दी कड़क हो जाएगी और सेट नहीं हो पाएगी। अब जो आपका गर्म मिक्सर है इसे हम एक चॉपिंग बोर्ड पर डालेंगे। चॉपिंग बोर्ड को मैंने पहले ग्रीस कर लिया था घी के साथ में। अब एक स्पैचुला की हेल्प से इसे फ्लैट कर लें और जो चिक्की का शेप है वो देंगे हम। एक बड़ा रेक्टेंगल शेप देना है आपको। अब इसे हम बेल के थोड़ा सा पतला करेंगे। मैंने बेलन के ऊपर थोड़ा सा घी डाल दिया था और इसे ग्रीस कर लिया है घी के साथ में, और इसे बेल लें। अभी हमको चिक्की को पूरा एक लेवल करना है। आपको ध्यान रखना है जो थिकनेस है वो सेम होनी चाहिए हर जगह से, और ट्राई करें कि रेक्टेंगल शेप में इसे बेल लें।
ताकि इसे कट करना बहुत आसान रहे। ये पूरा स्टेप आपको जब चिक्की का जो मिक्सर है गर्म हो तभी करना है, इस बात का प्लीज़ ध्यान रखें। जैसे आपकी चिक्की ठंडी होने लग जाएगी ये बहुत जल्दी टूट सकती है। अब एक नाइफ़ की मदद से इसमें हम कट्स लगाएंगे। जब ये गर्म रहेगी जो चिक्की है ये एकदम क्रंची बनेगी, आपको बहुत पसंद आएगी। एक नाइफ़ की मदद से ऐसे कट कर लें, हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकली भी। इस तरीके से सारे कट लगाने के बाद हम चिक्की को रेस्ट देंगे 30 मिनट के लिए। 30 मिनट से एक घंटे बाद आपकी चिक्की एकदम रेडी हो जाएगी, तो इसे ठंडा कर लें। जब भी रेडी हो जाए, अब आपकी चिक्की रेडी हो चुकी है। अब इसे इस तरीके से निकाल लेंगे हम। देखिए कितनी क्रिस्पी और क्रंची बनी है आपकी जो पीनट चिक्की है। इसे आप तुरंत ही सर्व कर सकते हैं, इसे आप स्टोर भी कर सकते हैं 10 से 15 दिन के लिए एक एयरटाइट कंटेनर में। कुछ इस तरीके से पहले चिक्की को निकालें, क्योंकि हमने जो बोर्ड है इसे ग्रीस किया था, आपकी चिक्की बहुत ईजीली निकल जाएगी। या फिर आप यहाँ पर नीचे एक पार्चमेंट पेपर का यूज़ कर सकते हैं चॉपिंग बोर्ड के ऊपर। कुछ इस तरीके से इसे ब्रेक कर लें, सारे स्क्वायर्स में से अलग कर लें। ध्यान रखें जब भी आप इसे कट करें ये चिक्की का जो मिक्सर है गर्म हो तभी कट करें, ताकि जो इसका शेप है वो इंटैक्ट रहेगा। कुछ इस तरीके से सारी चिक्की को निकाल लें और एक प्लेट में सर्व करें। ये पीनट चिक्की तैयार है। हम बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट रेसिपी की तरफ, जो है तिल की चिक्की। ये तिल की जो चिक्की है ये आप आराम से एक महीने तक कंज्यूम कर सकते हैं। बहुत ही क्रंची है और साथ ही में बहुत फ्लेवरफुल है। इसे बनाना बहुत आसान है। एक कढ़ाई लें, इसमें हम लेंगे 150 ग्राम तिल्ली। मैंने जो तिल्ली ली है ये वाइट वाली तिल्ली नहीं है, जो थोड़ा सा गोल्डनिश कलर वाली तिल्ली मिलती है मार्केट में, ये लें। ये हालांकि साफ़ तिल्ली है, अगर आपकी तिल्ली बिल्कुल भी साफ़ नहीं हो तो आप इसको पहले क्लीन करें उसके बाद ही यूज़ करें। इसे हम रोस्ट करेंगे जब तक ये थोड़ा सा गोल्डन हो जाए कलर में। 1 से 2 मिनट के लिए इसे मीडियम फ्लेम पर रोस्ट करें। इसका कच्चापन भी हट जाएगा और जो तिल्ली है वो थोड़ी सी चटकने लग जाएगी, इसकी एक आवाज़ आने लग जाती है। अब तिल्ली रोस्ट हो चुकी है, इसे एक प्लेट में निकाल लें। दूसरी तरफ हम लेंगे गुड़। मैंने यहाँ 200 ग्राम गुड़ लिया है, इसको मैंने क्रम्बल कर लिया था, या आप बारीक चॉप भी कर सकते हैं। अब आपको गुड़ को मेल्ट करना है लो फ्लेम पे, जैसे हमने पीनट की चिक्की के साथ किया था। जो इसके मोटे चंक्स हैं इन्हें मेल्ट करते चलें, एक स्पैचुला से इसे अच्छे से प्रेस करते चलें और मेल्ट करें। एकदम लो फ्लेम रखें। आप इस स्टेज में नॉनस्टिक पैन का यूज़ करें या फिर एक मोटे तले की कढ़ाई भी ले सकते हैं। अब 2 से 3 मिनट इसको पकाने के बाद हम टेस्ट करेंगे इसे। तो आप एक पानी के बोल में इसे डालें, जैसे हमने पीनट चिक्की के साथ टेस्ट किया था, और इसे इकट्ठा करेंगे एक तरफ और देखेंगे कि जो गुड़ है ये ब्रेक हो रहा है या स्ट्रेच हो रहा है। ये इसका टेस्ट है, बहुत इजी टेस्ट होता है चेक करने के लिए कि जो गुड़ है वो पका है या नहीं पका है। अब जो हमारा गुड़ है ये बहुत इजीली स्ट्रेच हो रहा है, तो अभी गुड़ और कुक होगा, अभी ढंग से पका नहीं है ये। हमें इसकी एकदम कड़क चाशनी लेनी है। इसे कुक करते चलें लो फ्लेम पे। 2 से 3 बार हम टेस्ट करेंगे 1 से 2 मिनट के इंटरवल्स के अंदर, क्योंकि गुड़ बहुत जल्दी पक जाता है, तो आपको टेस्ट बार बार करना पड़ेगा और ध्यान रखना पड़ेगा जो गुड़ है वो ज़्यादा पके नहीं। देखिए अभी मैंने वापस टेस्ट किया था, जो गुड़ है अभी भी स्ट्रेची है। अब इस स्टेज में हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच घी, और घी को अच्छे से मेल्ट कर लें गुड़ के साथ में। ये हेल्प करेगा गुड़ को कुक होने के लिए। साथ ही में जो आपकी तिल की चिक्की है ये बिल्कुल भी दांत से स्टिक नहीं होगी। प्लीज़ यहाँ पर देसी घी यूज़ करें, उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। ध्यान रखें गुड़ बिल्कुल भी साइड्स में स्टिक ना हो। कंटिन्यूसली चलाते रहें इसे। टोटल 4 से 5 मिनट तक इसे पकाने के बाद हमने टेस्ट कर लिया है, जो गुड़ है वो क्रिस्पी हो चुका है जब इसे ब्रेक कर रहे हैं। तो अब इस स्टेज में गैस बिल्कुल ऑफ कर दें। अब इसमें हम डालेंगे तिल्ली, जिसको हमने ठंडा कर लिया था। अब तिल्ली को अच्छे से मिक्स करें। अगर आपको इस स्टेज में लगता है कि जो मीठा है वो थोड़ा सा कम है, तो आप तिल्ली की मात्रा कम कर सकते हैं या फिर आप गुड़ की मात्रा बढ़ा भी सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर लें। अब इस स्टेज में थोड़ा सा जल्दी काम करें, नहीं तो जो आपकी चिक्की है वो सेट हो जाएगी। अभी ग्रीस करी हुई प्लेट लें या फिर एक चॉपिंग बोर्ड पर घी से ग्रीस करें, और जो गर्म मिक्सर है तिल्ली और गुड़ का इसे डालें। अब एक बेलन की मदद से इसे प्रेस करते चलें, जैसे हमने चिक्की के टाइम पर किया था। कुछ इस तरीके से इसे फ्लैट करना है। ध्यान रखें जो थिकनेस है वो हर जगह से सेम होनी चाहिए। ट्राई करें कि एक रेक्टेंगुलर शेप दें इसे। जो बेलन है इसके ऊपर भी हमने घी से इसे ग्रीस कर लिया था, ताकि बिल्कुल भी स्टिक ना हो। जब मिक्सर गर्म हो तभी एक स्पैचुला की हेल्प से इसे रेक्टेंगुलर शेप दें और फ्लैट कर लें अच्छी तरीके से। जब मिक्सर गर्म हो इसे हम चॉप कर लेंगे, तो एक नाइफ की मदद से ऐसे हॉरिजॉन्टली कट करें इसे। मैं इसे स्क्वायर में कट कर रही हूँ, आप जिस तरह से चाहें उस तरह का शेप दे सकते हैं। वापस इसे टर्न करके हम वर्टिकली भी कट करेंगे।
अब इसे से कट कर लें। आप देखेंगे इसके जो स्क्वायर्स हैं वो बनके तैयार हो चुके हैं। इसे रेस्ट देंगे 30 मिनट के लिए। इसके बाद इसे तुरंत ही सर्व करें। आप तिल्ली की चक्की को स्टोर कर सकते हैं 1 महीने तक एक एयरटाइट कंटेनर में। इसे तुरंत ही सर्व करें। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अब हम बनाएंगे परमल के लड्डू, या इसे यूपी और बिहार में लाई भी कहते हैं। तो इसके लिए बनाना बहुत आसान है। सबसे पहले एक कढ़ाई लें, इसमें हम डालेंगे परमल। मैंने यहाँ 100 ग्राम परमल लिए हैं। परमल को मुरमुरा भी कहा जाता है। इसे हम रोस्ट करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए लो फ्लेम पे, जब तक जो आपके परमल है ये एकदम क्रंची हो जाए। जो ये लड्डू हैं ये बच्चों को बहुत पसंद आते हैं, एकदम क्रिस्पी लड्डू आपके तैयार हो जाते हैं। 2 से 3 मिनट बाद आपके जो परमल हैं वो एकदम क्रंची हो गए हैं और क्रिस्पी हो गए हैं। आप इस स्टेज में थोड़ा चलाते रहें, इसे कलर भी थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन हो जाएगा। अब गैस ऑफ कर दें और आप परमल को एक प्लेट में निकाल लें। जो परमल के लड्डू हैं ये मकर संक्रांति स्पेशल रेसिपी है मेरी, ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट्स में बताएं आपको कैसी लगी। एक तरफ परमल ठंडे हो रहे हैं, दूसरी तरफ हम लेंगे 150 ग्राम गुड़। गुड़ यहाँ पर रफली चॉप कर लें। आप किसी भी स्टेज में गुड़ का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं जो मार्केट में आपको ईजिली मिल जाता है। प्लीज़ ध्यान रखें जो गुड़ आप यूज़ करें उसमें बिल्कुल भी मिलावट नहीं होनी चाहिए। अब धीरे धीरे हमें गुड़ को मेल्ट करना है। जैसे हमने बाकी दोनों रेसिपीज़ में गुड़ की चाशनी बनाई थी और थोड़ा सा कड़क चाशनी बनाई, जब आप परमल के लड्डू बनाते हैं तो गुड़ को ज़्यादा पकाना नहीं होता है, इसकी इतनी गाढ़ी चाशनी नहीं बनानी है हमें, सिर्फ गुड़ को मेल्ट करना है। तो जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ इसे प्रेस करते चलें और मेल्ट करें। ध्यान रखें मोटे तले की कढ़ाई ही लें और प्लीज़ फ्लेम एकदम लो रखें, नहीं तो गुड़ आपका चिपक सकता है और जल भी सकता है। अगर आप कुछ आसान टिप्स और ट्रिक्स फॉलो करेंगे तो आपके जो गुड़ के लड्डू हैं बहुत अच्छे बनेंगे और ये सारी रेसिपीज़ आपकी एकदम परफेक्ट बनेगी। अब इसे हम थोड़ा सा डालेंगे घी। मैं इस स्टेज में डालूंगी 1 चम्मच देसी घी। आप पहले देसी घी का यूज़ करें, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर तो आता ही है, साथ ही में जो आपके लड्डू हैं ये बिल्कुल भी स्टिक नहीं होंगे। अब जो मेल्ट किया हुआ गुड़ है इसको एक कटोरी में डालें जिसमें पानी हो और इसे चेक करें। अगर आपका जो गुड़ है वो थोड़ा सा स्ट्रेची है तो एकदम गुड़ तैयार है। इस स्टेज में गैस ऑफ कर दें, आपको ज़्यादा पकाना नहीं है गुड़ को। अब इसमें हम डालेंगे मुरमुरे जिसको मैंने रोस्ट किया था। अब एकदम क्विकली इसे मिक्स कर लें। इस स्टेज में आपको थोड़ा सा जल्दी हाथ चलाना पड़ेगा, नहीं तो आपके जो लड्डू है बहुत जल्दी सेट हो जाएंगे जब हम उसको शेप करेंगे। उससे पहले आप एक बात का ध्यान रखें कि गुड़ इतना होना चाहिए कि इजीली परमल को कोट कर ले। अगर आपकी गुड़ की चाशनी कम है तो आप थोड़े से परमल कम डालें। अब लड्डू को शेप करना बहुत आसान है। आप एक बोल में पानी लें और दोनों हाथ को ठंडे पानी से ग्रीस करें और फिर लड्डू का एक पोर्शन ले, जो मिक्सर है इसका एक पोर्शन लेके इसे शेप करेंगे हम लड्डू की तरह। ध्यान रखें इस टाइम पर मिक्सर बहुत गर्म है, आप किसी बड़े की हेल्प ले सकते हैं। दोनों हाथों से इसको ऐसे शेप करें, थोड़ा सा टाइट पकड़ के हमें शेप करना रहेगा इसे। इस स्टेज में ध्यान रखें मिक्सर बहुत गर्म है, प्लीज़ किसी बड़े की हेल्प ले लें या फिर जो पानी है आप बीच बीच में पानी का हाथ लें और शेप कर लें लड्डू को कुछ इस तरीके से। आपके सारे लड्डू बन के तैयार हो गए हैं। ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि जो गुड़ की चाशनी है बहुत ज़्यादा कड़क ना हो। अगर आपकी चाशनी बहुत कड़क हो जाएगी तो आपके जो लड्डू हैं वो शेप होल्ड नहीं करेंगे, या फिर अगर आपका गुड़ बहुत ज़्यादा लिक्विड कंसिस्टेंसी में रहेगा तो भी आपके लड्डू एकदम परफेक्ट शेप में नहीं आएंगे। अब बढ़ते हैं मेरी सबसे फेवरेट रेसिपी की तरफ, जो है ये तिल के लड्डू। एकदम परफेक्ट है, ज़रूर ट्राई करें। जो मैं आज आपके साथ तिल गुड़ की लड्डू की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, ये लड्डू बनेंगे बहुत सॉफ्ट, बिल्कुल भी मार्केट जैसे नहीं बनेंगे। अब इसका टेक्स्चर देखिए कितने सॉफ्ट हैं ये लड्डू, और साथ ही मैं आपके साथ ढेर सारी टिप्स और ट्रिक्स भी शेयर करूँगी। चलिए बिना किसी देरी के बनाते हैं मुँह में घुल जाने वाले लड्डू। मैंने यहाँ पर लिए हैं 3/4 कप गुड़ जिसको मैंने ग्रेट कर लिया, या फिर आप कद्दूकस कर लें, और 1 से 2 बड़े चम्मच घी। आप देसी घी का यूज़ करें। फिर हम लेंगे 200 ग्राम तिल। मैंने यहाँ जो मैली वाली तिल मिलती है मार्केट में वो ली है। अगर आप सफ़ेद तिल का यूज़ करेंगे जो आपके लड्डू हैं वो इतने अच्छे नहीं बनेंगे, जो थोड़ी सी मैली वाली तिल मिलती है उसी का यूज़ करें। अब एक तरफ हम कढ़ाई में तिल को रोस्ट करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए, जब तक इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए और साथ ही में जो तिल्ली का कच्चापन है वो भी हट जाए। तो इसे लो से मीडियम फ्लेम पे हम रोस्ट करेंगे, जैसे हमने तिल्ली की चक्की बनाई थी तब किया था। इसे रोस्ट होने दें, धीरे धीरे आप देखेंगे कि कड़कने का साउंड आएगा। आपको ध्यान रखना है 200 ग्राम हमें तिल लेनी है और 200 ग्राम ही हमें गुड़ लेना है, इक्वल क्वांटिटी में दोनों चीज़ें लें। अब तिल रोस्ट हो चुकी है, अब इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और ठंडा कर लें। 3 से 4 मिनट लगे तिल्ली को रोस्ट करने में। दूसरी तरफ हम कढ़ाई में लेंगे 1 से 2 बड़े चम्मच घी। यहाँ पे जो घी है वो ग्लॉसी शाइन तो देगा ही लड्डू को, साथ में ये इंश्योर करेगा कि जो आपका गुड़ है वो बिल्कुल भी स्टिक ना हो पैन से।
मैंने यहाँ पे एक नॉनस्टिक कढ़ाई यूज़ करी है, आप कोई सा भी और पैन यूज़ कर सकते हैं। जो गुड़ है इसको ग्रेट करके यूज़ करें, या फिर आप इसे कद्दूकस भी कर सकते हैं। इसे हमें मेल्ट करना है। जैसे हमने पहले चाशनी ली गुड़ की, आपको जो गुड़ की चाशनी है बिल्कुल भी कड़क नहीं करनी है। इसे हमें तब तक कुक करना है जब तक जो सतह है उस पर बबल्स दिखने लग जाएं। अगर आप गुड़ को ज़्यादा कुक कर लेंगे या फिर जो चाशनी है वो थोड़ी सी थिक हो जाएगी, आपके लड्डू बहुत कड़क बनेंगे जैसे मार्केट में मिलते हैं। एकदम सॉफ्ट लड्डू के लिए आपको चाशनी को थोड़ा सा सॉफ्ट रखना पड़ेगा और इसे कम सेकना है। तो 2 से 3 मिनट तक आप इसे भुनना है कंटिन्यूसली, ताकि कोई भी लम्स ना आए। धीरे धीरे आप देखेंगे कि जो गुड़ है वो पकता जा रहा है। 2 से 3 मिनट बाद आपको दिखेगा कि गुड़ में बबल्स आने लग गए। इस स्टेज में गैस ऑफ कर दें और इसमें हम तिल डाल देंगे रोस्ट करी हुई। आपको इस स्टेज में थोड़ा सा जल्दी काम करना है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। जैसे हमने पहले मुरमुरे के लड्डू बनाए, कुछ इस तरीके से आपको तिल के लड्डू बनाने हैं। मेरी दादी हमें बताएंगी कि कैसे आपको चेक करना है कि जो गुड़ है वो तैयार है। आपको एक चम्मच की मदद से इस स्टेज में देखना है कि जो गुड़ के लड्डू हैं ये शेप होल्ड कर पा रहे हैं या नहीं। अगर इस स्टेज में लड्डू शेप होल्ड कर पा रहे हैं तो आपका मिक्सर तैयार है। अब जो तिल का मिक्सर है थोड़ा सा ठंडा हो जाने दें, दोनों हाथों में पानी लगा लें अच्छे से और इसे शेप देंगे हम। थोड़ा सा पोर्शन लें और शेप कर लें। ध्यान रखें अगर इस स्टेज में आपका जो लड्डू है उसका सरफेस थोड़ा सा फ्लैट है तो चलेगा, हम आगे से ठीक कर लेंगे। इस स्टेज में इन्हें बस शेप देना ज़रूरी है। इस तरीके से सारे लड्डू को शेप दे दें। जब थोड़े से ठंडे हो जाएं फिर दोनों हाथों की मदद से इसे वापस से रोल कर लें और एकदम परफेक्ट लड्डू का शेप तैयार कर लें। आपके जो तिल के लड्डू हैं अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो परफेक्ट बनेंगे। आप ये तिल के लड्डू को स्टोर कर सकते हैं 10 से 15 दिन के लिए एक एयरटाइट कंटेनर में और इसे आराम से सर्व कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, उसी के पास में जो बेल आइकन है उसे भी दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन आए मेरी वीडियोस की सबसे पहले। मेरी मकर संक्रांति की आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। मैं जल्द ही लौटूंगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।